आगरमालवा जिला मुख्यालय पर रात 10:30 पर एक निजी क्लिनिक पर कार्यवाही करने पहुंचे CMHO SS मालवीय एवं क्षेत्रीय पटवारी त्रिलोक पाटीदार को क्लिनिक संचालक नासिर खान और उसके परिजनों द्वारा कुछ समय के लिए बंधक बनाने का मामला सामने आया है। SDM के निर्देशन पर बड़ी मात्रा में पहुंचे पुलिस बल ने CMHO एवं पटवारी को मुक्त कराया। इस दौरान क्लिनिक संचालक और उसके परिजन घटना स्थल से फरार हो गए थे। वहीं क्लिनिक में उपचार करा रहे 24 मरीजों को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। हम आपको बता दें कि अनाधिकृत रूप से इलाज करने के आरोप में नासिर खान के क्लिनिक को करीब 15 दिन पहले भी जिला स्वास्थ्य विभाग ने सील कर नर्सिंग एक्ट में प्रकरण दर्ज किया था, पर इसके बाद भी नासिर खान द्वारा लगातार बीमार लोगों के इलाज करने की खबर मिलने पर जिला स्वास्थ्य विभाग का दल ये कार्यवाही करने उनके क्लिनिक पर पहुंचा था और इसी दौरान ये सारा घटनाक्रम हुआ है और CMHO ने थाने पर आवेदन देकर दोषियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की बात कही है।
कार्रवाई आज यहाँ पर की गई है? यहाँ पे 15 दिन पहले एक FIR दर्ज की गई थी जो झोला साहब डॉक्टर का था। हाँ, आज मालूम पड़ा कि यहाँ पे इलाज हो रहा है। SDM साहब और मैं स्वयं यहाँ उपस्थित हैं, SDM मैडम भी आई है। वहाँ पे करीब 2 दर्जन मरीज इलाज करवाते पाए गए। सर, आप लोगों को बंधक बनाने की कोशिश की गई थी? मैं वीडियो करने गया था तो जो डॉक्टर था उसके लड़के थे और अन्य लोग मुझ पर हावी हो रहे थे और मरीजों को उकसा रहे थे कि इनको जान से मार डालो। क्या दरवाजा लगा दिया था अंदर से? अंदर से दरवाजा बंद कर दिया था। सर, कौन कौन लोग थे आपका? हाँ, उनका नाम तो मैं नहीं जानता हूँ। हमने वीडियो किया है। आपके साथ जो अधिकारी थे वो कौन थे जिनको बंधक बनाने की कोशिश की गई? हमारे पटवारी महोदय थे और मुझ में था। SDM साहब भी? SDM साहब बाहर थे। सर, किस तरह की कार्रवाई आगे की जाएगी? हम FIR दर्ज कर रहे हैं, अभी सील कर दिया है दवाखाने को और हम FIR करने जा रहे हैं। जो पेशेंट थे सर, उनको कहाँ ले जाएंगे? जो पेशेंट थे, करीब 2 दर्जन मरीज थे, उनको जिला अस्पताल में एम्बुलेंस के द्वारा शिफ्ट कर दिया गया है। वहाँ उनका प्रॉपर इलाज किया जाएगा। थैंक यू। वॉइस ऑफ रेड्स के लिए आगरमालवा से एहतशान खान की रिपोर्ट।